नमस्कार दोस्तों, ग्रीन हेरिटेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर में गार्डन का होना प्रकृति को अपने घर आमंत्रित करना होता है, जो हमें नीरस जीवन और ये जो व्यस्त जीवन है हमारा, उससे बहुत दूर एक अलग ही दुनिया में हमें लेकर जाता है और साथ ही एक सुकून भरा जीवन का एहसास हमें वो कराता है। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि घर के साथ साथ हम सबों के पास एक छोटी सी बगिया तो होनी ही चाहिए और इस बगिया का संसार आप अपने टेरेस, बालकोनी या फिर बरामदा कहीं भी बसा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मुख्य विषय ये है कि बेहद ही किफ़ायती दामों में, यहाँ तक कि फ्री में भी मिलने की गुंजाइश वाले बेहद ही खूबसूरत प्लांट की बात करेंगे, जिसे लाकर आप अपने घर के बालकोनी, बरामदा या छत को एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में मौजूद हैं जिसकी खूबसूरती आपको फूलों की कमी का एहसास कभी नहीं होने देगा। ज़रूरत तो इस बात की है कि आपको इस तरह की पौधों की पहचान होनी चाहिए और साथ ही सही तरीके से लगाने की कला भी होनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ प्लांट का होना अपने आप में काफ़ी नहीं है, प्लांट को सही तरीके से लगाना और वेल मेंटेन में रखने के बाद ही एक खूबसूरत नज़ारा निकल कर सामने आती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि वो कौन कौन से खूबसूरत प्लांट है जिसकी तारीफ हम किए जा रहे हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि वो सारे प्लांट मेरे गार्डन में मौजूद है, जो बेहद किफ़ायती और लो मेंटेन वाली प्लांट है जिसकी खूबसूरती सालों भर बनी रहती है और सालों भर आपके गार्डन खूबसूरत दिखते रहेंगे। और दोस्तों, वो सबसे पहला प्लांट ये है, इसे स्वीट पोटैटो प्लांट कहते हैं और देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत और चमकदार दिख रही है। इतनी अधिक शाइनिंग शायद ही किसी प्लांट में देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस पॉट में एक साथ कई सारे कटिंग लगा दिए हैं और इसे लगाए हुए मुश्किल से 10 दिन हुए हैं और पॉट में कई सारे कटिंग लगा देने से ये बूसी नज़र आने लगा है। तो इस तरह एक पॉट में कई सारे कटिंग को लगाकर आप तुरंत ही उसे घना बना सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है। और अब ये दूसरा प्लांट, जो कि ये भी स्वीट पोटैटो ही है और अपने अलग कलर में दिख रही है। तो इस तरह का स्वीट पोटैटो की ये जो दो कलर है, इसे लगाकर आप अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं और ये दोनों प्लांट आपको नर्सरी में 20 से 30 रुपये में मिल जाएंगे। और अगर आपके आसपास कोई प्लांट लवर है तो वहाँ से इसकी कटिंग लेकर आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये प्लांट इतनी तेज़ी से ग्रो होता है और इतनी जल्दी घनी हो जाती है कि अक्सर इसकी कटिंग करने की नौबत आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्लांट को देने से इनकार करेगा। और दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे प्लांट की ओर और ये रहा तीसरा प्लांट जेब्रिना, जिसे वांडरिंग जू भी कहते हैं। और यहाँ पर भी हमने इसके ढेर सारे कटिंग एक साथ लगाकर एक ही दिन में खूबसूरत लुक तैयार कर लिया है। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये प्लांट खरीदने की चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है। नर्सरी में ये ऐसे पड़े होते हैं कि इसकी कटिंग लेने से कोई भी मना नहीं करेगा और एक बार इस प्लांट को आप अपने घर ले आए तो जंगल की तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको भी इसकी कटिंग कर फेंकने की नौबत आ जाएगी। इसके बावजूद भी ये प्लांट पता नहीं क्यों प्लांट लवर के गार्डन में नज़र नहीं आता है। यहाँ भी इसे सलीके से लगाने की ज़रूरत है और एक सही आकार में इसे रखेंगे तो इससे बढ़कर खूबसूरती कहीं नज़र नहीं आएगी और इससे सस्ता प्लांट तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब मर्जी नर्सरी वाले की है कि वो आपसे क्या लेते हैं। और दोस्तों, ये रहा चौथा प्लांट अल्टरनेंथ्रा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने इसकी ढेर सारी कटिंग एक साथ लगा दी है, जिसके वजह से काफ़ी घना नज़र आ रही है। दोस्तों, अल्टरनेंथ्रा प्लांट और भी कई कलर के आते हैं, बट इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ जो कि वेरीगेटेड है, अलग ही खूबसूरत लुक में नज़र आती है और कटिंग से आसानी से लगने वाला इस प्लांट को भी एक साथ ढेर सारे कटिंग को लगाकर एक खूबसूरत पॉट में तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये प्लांट उतनी ही सस्ती है जितने कि आप पहले वाले सारे प्लांट देख चुके हैं। और दोस्तों, अब हम आते हैं अपने पांचवें प्लांट सिंगोनियम की तरफ। ऐसा कोई नर्सरी नहीं जहां ये नहीं मिलता होगा और पिछले सभी प्लांट की तरह आसानी से लगने वाला ये प्लांट की खूबसूरती भी देखने लायक है।
और दोस्तों इसकी तुलना महंगे प्लांट वाइट एग्लोनिमा से करें तो खूबसूरती में एग्लोनिमा को टक्कर देती नज़र आएगी। एग्लोनिमा की ये वैरायटी रेयर ही देखने को मिलता है और इस प्लांट को विशेष केयर की ज़रूरत होती है जो हर किसी से संभव नहीं है। तो इसके बदले आप वाइट सिंगोनियम को लगाकर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। एग्लोनिमा को टक्कर देती ये प्लांट भी काफ़ी किफ़ायती होता है और इसकी कटिंग आसानी से लगाकर एक से अनेक प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों ये छठा प्लांट भी सिंगोनियम की ही है, अपने लेमन कलर में बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। नर्सरी की सबसे सस्ती प्लांट लेकिन खूबसूरती में सबसे आगे। और अगर आप ऐसे प्लांट का कलेक्शन नहीं करते हैं जो बेहद किफ़ायती मूल्यों में उपलब्ध होता है तो फिर क्या गार्डनिंग। और दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि प्लांट का होना काफ़ी नहीं है, उसको लगाने का तरीका भी एक कला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी बूसी नज़र आ रही है, साथ ही इसकी शेप बिल्कुल गोलाकार है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट और भी खूबसूरत तभी लगता है जब वो एक डिसिप्लिन के साथ एक निश्चित आकार में लगा हो, और इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों एक बार फिर से आते हैं सिंगोनियम की तीसरी वैरायटी, जो एग्लोनिमा प्लांट की तरह अपनी खूबसूरत पत्तों से फूलों की कमी का एहसास होने नहीं देती है। खूबसूरत धारियों में ये सातवें प्लांट भी उतनी ही सस्ती है जितनी कि पहले के सारे प्लांट। और दोस्तों इस तरह काफ़ी सस्ते प्लांट को खरीदकर या इसकी कटिंग कहीं से भी लेकर अगर आप लगा लेते हैं तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने महंगे प्लांटों से घर को सजा रखा है। तो ये सिंगोनियम की चौथी वैरायटी और सातवीं प्लांट है जो कि पिंक कलर में है। यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि ये प्लांट डिसिप्लिन में नहीं है और इसका शेप भी बिगड़ गया है, इसलिए इसकी खूबसूरती में थोड़ी कमी दिख रही है। इसलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्लांट को एक निश्चित आकार में रखें और घना बनाए रखें, तभी खूबसूरती नज़र आएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम आते हैं अपने आठवें प्लांट की ओर, और ये रहा ब्लैक मैजिक एरिंथमा प्लांट। इसे देखिए, और इसे देखकर मुझे गाना याद आता है, सांवली सूरत और होठ लाले लाल। तो दोस्तों इतना खूबसूरत और इतनी चमक तो हमने किसी और प्लांट में देखा ही नहीं। दोस्तों मेरे गार्डन का ये सबसे फेवरेट प्लांट हो गया है और ये भी कटिंग के द्वारा आसानी से लग जाता है, और हमने तो इसकी ढेर सारी कटिंग लगा भी ली है। भले ही इसके बगल में एक लूनिमा की खूबसूरत वैरायटी खड़ी है, लेकिन दोस्तों एरिंथमम की खूबसूरती भी कुछ कम नहीं है। और ये रहा एरिंथमम की दूसरी वैरायटी और दसवीं प्लांट। तो दोस्तों ये भी अपने आप में लाजवाब है, और कटिंग के द्वारा इतनी आसानी से लग जाने वाला प्लांट अगर हम और आप नहीं रखते हैं तो फिर क्या गार्डनिंग। इस तरह के प्लांट को लगाकर आप सदा के लिए ख़रीदारी से बच सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको कुछ कटिंग दिखाना चाहेंगे। ये तो यहाँ पर ढेर सारे कटिंग लगे हुए हैं, और उसके बीच ये रहा एरिंथमम का प्लांट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉट में दो दो कटिंग लगी हुई है, और साथ ही एक और अलग वैरायटी के एरिंथमम प्लांट, इस एक प्लांट में हमने तीन चार कटिंग लगा दिए हैं। इसकी साइज 1 से 1.5 फीट तक होने से बेहद खूबसूरत दिखता है। तो इस तरह बहुत ही इजी ग्रो होने वाला प्लांट को लगाकर आप पौधों की संख्या में इजाफा कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने गार्डन को एक बेहद खूबसूरत लुक दे सकते हैं। और दोस्तों अब हम आते हैं अपने 11वें प्लांट डेविल्स बैकबोन। इसके वेरिएटेड रूप देखते ही बनती है, बेहद आसानी से कटिंग के द्वारा लगने वाला ये प्लांट भी अपने खूबसूरत पत्तों के लिए जाना जाता है। और अब आप देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत प्लांट पाइला कैडियरी। हालांकि ये रेयर मिलने वाला प्लांट है और कटिंग के द्वारा आसानी से लग जाता है, तो ये कहीं भी नज़र आए तो आप बेहिचक अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं एक और बेहद खूबसूरत प्लांट, जो ऐसा कोई नर्सरी नहीं होगा जहां ये नहीं मिलता हो। तो दोस्तों ये रहा सफलेरिया प्लांट, अपने आप में बेहद खूबसूरत। इसकी उपस्थिति किसी भी गार्डन में जान डाल देती है, बस ज़रूरत इस बात की है कि आप इसे सही शेप में बना के रखें।
ये प्लांट भी आपको बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल जाएंगे, या फिर इसे मांग संकर आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये खूबसूरत कलेथिया प्लांट जो पौधों के झुंड में रहना पसंद करती है, बिल्कुल ही शेडी जगह के लिए ये बहुत ही उपयुक्त प्लांट है। और एक बार अगर आप इसे अपने यहाँ ले आते हैं तो एक प्लांट से अगले साल अनेक प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये कटिंग से नहीं लगता है, बल्कि ये अपने बगल से अनेक बेबी प्लांट निकालते रहते हैं जिसे अलग कर आप लगा सकते हैं। और कैलेडियम में सबसे खूबसूरत ये आर्मी कैलेडियम किसी भी गार्डन में जान डाल देने की क्षमता रखने वाला प्लांट है। ऐसे प्लांट तो गार्डन में होना ही चाहिए। और ये सब रेयर प्लांट है जो पिछले साल से ही मेरे पास है। अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। और दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने गार्डन के बीच, जहां सिंगोनियम की एक और वैरायटी अपनी खूबसूरती से मेरे गार्डन की शोभा बनी हुई है। तो अब आप यहां पर सिंगोनियम की एक और अलग वैरायटी देख सकते हैं, और ये सिंगोनियम की मेरे गार्डन में पांचवी वैरायटी है। दोस्तों, सिंगोनियम बेहद सस्ता प्लांट है और खूबसूरत भी। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप ऐसे पौधों के सही शेप का ख्याल रखें। सही शेप में ही कोई प्लांट खूबसूरत दिखता है, अन्यथा नहीं। और दोस्तों, अब ये रहा मेरे गार्डन की जान, मेरी शान, सबसे खूबसूरत प्लांट। जी हाँ, ये रहा मार्वल मनी प्लांट। दोस्तों, बहुत ही किफ़ायती दामों में मिलने वाला और कटिंग से आसानी से लगने वाला ये प्लांट, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाएं। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि लगाने का तरीका सही होनी चाहिए। इस पॉट में हमने इसके मात्र दो कटिंग इस तरह से लगाए हैं कि ये देखते ही बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पॉट को देखकर आपकी लालसा कई गुना बढ़ गई होगी, क्योंकि एक तो ये बहुत ही सस्ता प्लांट है, ऊपर से बेहद ही खूबसूरत। तो मैं तो कहूँगा कि आप गार्डन की शुरुआत मनी प्लांट से ही करें, क्योंकि इस एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और खूबसूरती में इसका कोई जोड़ ही नहीं है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं मनी प्लांट का ये दूसरी वैरायटी की ओर, जिसे मंजुला पोथोज कहा जाता है। दोस्तों, मनी प्लांट में ये मंजुला पोथोज और मार्वल पोथोज सबसे अधिक खूबसूरत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मंजुला पोथोज कितनी खूबसूरत दिख रही है। और आने वाले समय में मैं तो इस दोनों प्लांट को 10 पॉट में अलग अलग दिशा में रखना पसंद करूँगा। हालांकि इस वक्त भी मेरे पास ये 6-7 पॉट में अलग अलग दिशा में रखी हुई है। और दोस्तों, मनी प्लांट की इस वैरायटी की खूबसूरती के सामने यहाँ के तमाम प्लांट फीके नज़र आते हैं। और बताना क्या, आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मार्वल और मंजुला प्लांट कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो दोस्तों, इस तरह अभी आप 20 से 25 प्लांट देख लिए होंगे, जो खूबसूरती के साथ साथ बेहद किफ़ायती भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारे प्लांट कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो हो जाता है। साथ ही एक प्लांट से जितना चाहे उतना प्लांट आप खुद से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। हालांकि अभी 20-25 और भी ऐसे प्लांट हैं जो मैं नहीं दिखा पाया, कारण कि वीडियो लंबी हो गई है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ऐसे ही और प्लांट की जानकारी मिलनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।